देखो भाई चैप्टर हमारा चलेगा पी ब्लॉक, ठीक है। एक बार वापस से देख लें अच्छे से, मैंने 13th ग्रुप आपको बता दिया था, उसको एक बार हल्के से वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें देखिए भाई पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले ये कह रहा है हमें, अगर हम पी ब्लॉक में बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, पी ब्लॉक जो है बैकग्राउंड रुको एक बार, इसका एक बार देख लेते हैं अभी। यस प्लीज ध्यान दें, तो हमारा चैप्टर है पी ब्लॉक, देखो भाई पी ब्लॉक की बात कर रहे थे हम। पी ब्लॉक की बात करें तो कहां से स्टार्ट होता है, तो हमने बता रखा है ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ग्रुप ग्रुप 13 से स्टार्ट होता है और कहां तक है, 18 तक। ग्रुप 13 से 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें अगर हम, तो पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है NS2 NP126, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP6। आगे बात करें कहां पर पाए जाते हैं ये, एक्सट्रीम राइट में, एक्सट्रीम राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में पाए जाते हैं। उसके बाद भी बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एफ ऑर्बिटल्स के अंदर फिलिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है 13th ग्रुप से स्टार्ट है, 18th ग्रुप पे, 18th ग्रुप तक। उसके बाद में अगर बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो कहां आता है, एक्सट्रीम राइट साइड में है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इनका वो होता है NS2 NP126, इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। अगर बात करें हम तो जैसे हम कह सकते हैं कार्बन, जैसे कार्बन की बात करी हमने, फॉर एग्जांपल कार्बन, तो कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो 1s2 2s2 और 2p2, ये कार्बन का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p2। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो s प्लस p को जोड़ दो तो 2 प्लस 2 4, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हो गए, तो ये 14th ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो कार्बन किससे बिलोंग करेगा, तो ये बिलोंग करेगा ग्रुप नंबर 14 से, ठीक है। चले आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर हमें बता रखा है नेक्स्ट, देखिए भाई आगे देखिए नेक्स्ट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी मैक्सिमम वैलेंसी होगी भाई। तो कार्बन जो है, कार्बन की वैलेंसी क्या हो सकती है, तो +4 -4 दोनों हो सकती है, तो ये ध्यान रखना है कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा। उसके बाद में अगर बात करें हम तो उसके बाद में हमें बता रखा है
अगर हम सेकंड चीज की बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमें बता रखा है देखो भाई नेक्स्ट, इससे पहले सर हाथ पे करके ऊपर क्यों दस को क्या बोला, क्या कह रहे हो? ये हैंड है ना, हैंड वाले आइकन इस पे क्लिक करो। अब जूम करते हैं वैसे स्क्रीन पे करो, नहीं नहीं वहां पे जहां पे आपने लिखा है तो जूम आउट करो, जूम आउट नहीं हाथ से। इस लिखे वाली साइड को ऊपर किसका था? नहीं नहीं वो नहीं करना चाहता मैं, तुम समझे नहीं। वो नहीं करना चाहता जो तुम बोल रहे हो। मैं चलो देखो अभी क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। देखो पहला एलिमेंट हर ग्रुप का पहला एलिमेंट, अगर हम पहले एलिमेंट की बात करें तो पहला एलिमेंट जो है वो किस तरह से क्या होता है, डिफरेंस होता है उसमें। तो यहां पर आपको बता रखा है कि जो पहला एलिमेंट होता है उसकी साइज जो है वो अलग अलग होती है। तो देखो पहला जो एलिमेंट होता है फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप, ग्रुप का पहला मेंबर हमेशा ध्यान रखना है क्या होता है, और मेंबर से अलग होता है। तो यहां पर बता रखा है कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि भाई वो अलग होता है। तो पहला मेंबर जो है वो साइज में छोटा होता है भाई, हमेशा ध्यान रखना है। पहला मेंबर जो है उसकी साइज जो है वो छोटी होती है, स्मॉलर साइज। पहला मेंबर जो होता है वो साइज में हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो सबसे पहली बात पे ध्यान रखना है कि फर्स्ट मेंबर जो है उसमें नंबर ऑफ शेल्स कम होते हैं। तो फर्स्ट मेंबर जो होगा, फर्स्ट मेंबर इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज, साइज में छोटा होगा वो। बाकी जो दूसरे मेंबर्स है ना वो साइज में बड़े होंगे भाई। दूसरे मेंबर्स क्या होंगे बाकी के, तो वो आपको ध्यान रखना है साइज में बड़े होंगे। दूसरी बात कह रहा है वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, तो पहला मेंबर जो है उसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स फर्स्ट मेंबर जो है उसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगे। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है जब वेकेंट डी ऑर्बिटल, अच्छा और जो दूसरे मेंबर्स होंगे लोअर मेंबर्स, नीचे जो ग्रुप के मेंबर्स होंगे उनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। तो यह ध्यान रखना है बॉटम पे जो भी है मेंबर्स हैं, तो अब एब्सेंट है वेकेंट डी ऑर्बिटल तो दे, ठीक है दे का मतलब हो गया फर्स्ट मेंबर, शुरू वाला जो मेंबर है फर्स्ट मेंबर डू नॉट एक्सटेंड इट्स वैलेंसी, वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता। जबकि और मेंबर्स अपनी वैलेंसी को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा बता रखा है
जिनके पास क्या है, डी ऑर्बिटल्स हैं, वो पाई बॉन्ड बनाते हैं भाई। तो ये ध्यान रखना है, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स बनाने का काम करते हैं ये। अच्छा, उसके बाद में कह रहा है बोरोन जो है, पाई बॉन्ड भी किस किस के बीच में बन सकता है? तो ये बोल रहा है पाई बॉन्ड बन सकता है कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। आगे बात करें अगर हम, तो आगे हमसे ये कह रहा है, ये चीज सही है, आगे देखो राइस क्या कह रहा है, बोरोन अपनी वैलेंसी को मैक्सिमम कहां तक ले जा सकता है, फोर तक। बोरोन एक्सटेंड्स इट्स वैलेंसी अप टू फोर, फोर तक बढ़ा सकता है वो वैलेंसी को, जबकि एल्यूमिनियम सिक्स तक ले जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जबकि एल्यूमिनियम जो है दूसरा मेंबर है, तो एल्यूमिनियम एक्सटेंड्स इट्स वैलेंसी अप टू सिक्स, सिक्स तक ले जा सकता है भाई। एग्जाम्पल आपको बता रखे हैं, पहला एग्जाम्पल है BF4 माइनस, और दूसरा एग्जाम्पल आपको बता रखा है AlF6-3। तो यहां एल्यूमिनियम जो है उसकी वैलेंसी सिक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है उसका, जबकि बोरोन का कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है। तो वैलेंसी के बता रखा है कि बोरोन जो है वो अपनी वैलेंसी को ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता है, जबकि जबकि एल्यूमिनियम अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है। आगे बात करें अगर हम नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ये कह रहा है, नेक्स्ट की अगर बात करें हम, अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, अगर हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, तो ये बता रखा है जितने भी हैवियर एलिमेंट्स हैं, मतलब नीचे वाले डाउन द ग्रुप, वो सारे क्या करते हैं, तो हैवियर एलिमेंट्स फॉर्म्स पी पाई एंड डी पाई। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पी पाई और डी पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। क्योंकि उनके पास पी ऑर्बिटल भी होता है और डी ऑर्बिटल भी होता है। शुरू वाला जो मेंबर है उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए वो केवल और केवल पी पाई बॉन्डिंग ही करता है, डी पाई नहीं कर पाता। आगे बात करें नेक्स्ट हम, तो नेक्स्ट हमसे बोल रहा है ये, अगर हम सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, आपको यही बता रखा है, उसके बाद में बता रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखे भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले कह रहा है साइज की बात करते हैं। नंबर वन है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस,
देखो भाई, मैंने आपको पहले भी बता रखा था, जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे, अब लेफ्ट से राइट जाओगे, जैसे मान लो सपोज हम गए बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये आ गया नियॉन। ये आ गया कौन से नंबर पे? 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई। तो ये कह रहा है इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 5 हैं, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 5। यहां प्रोटॉन कितने हैं? 6 हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। प्रोटॉन कितने हैं? 7। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। प्रोटॉन है 8, इलेक्ट्रॉन है 8। प्रोटॉन है 9, इलेक्ट्रॉन है 9। प्रोटॉन है 10 और इलेक्ट्रॉन है 50। लेकिन नंबर ऑफ शेल्स सब में सेम है। देखो इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो के और एल, 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, यहां पर 2 और 6, यहां पर 2 और 7 और 2 और 8। नंबर ऑफ शेल्स सब में सेम है भाई। तो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये भी इंक्रीज होगा, यानी प्रोटॉन की पावर बढ़ेगी। जब प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन की पावर बढ़ेगी, और प्रोटॉन की पावर बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? ज्यादा टाइटली खींचेगा, तो साइज छोटी हो जाएगी भाई। तो ध्यान रखना है, लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? साइज डिक्रीज हो रही है भाई। साइज क्या हो रही है? साइज डिक्रीज हो रही है। साइज डिक्रीज, समझ में आ गया क्या? बोले हाँ यस सर। किसी को समझ में नहीं आया तो बोल दो भाई। शक्ति आ गया सर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं भाई, तो साइज भी बढ़ती है फिर। तो आपको ध्यान रखना है ऊपर से नीचे जाने पर साइज हमेशा क्या होती है? तो साइज हमेशा इंक्रीज होती है भाई। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, साइज इंक्रीजेस, साइज बढ़ती है भाई। क्यों बढ़ती है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। रीजन क्या है? तो रीजन है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं सर, इसलिए क्या होता है? साइज बढ़ती है। जैसे एग्जांपल लिया, मान लो मैंने बोरोन फैमिली में बोरोन एल्यूमिनियम, तो बोरोन आता है 5th नंबर पे, एल्यूमिनियम आता है 13th नंबर पे।
तो आपको पता है यहां पर दो और तीन इलेक्ट्रॉन भरोगे, यहां भरोगे दो आठ और तीन, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। इसमें दो ही शेल थे, के और एल, यहां के एल और एम, तीन शेल हो गए। तो नीचे जाने पर क्या हो रहा है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं इसलिए। ठीक है, चले आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए भाई, सेकंड पॉइंट है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी आपको कितनी एनर्जी देनी है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो ये बता रखा है ऑन मूविंग। अब देखो भाई, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों होती है, ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। जितनी छोटी साइज होगी ना उतना ही आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, आपको उतनी ही ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी भाई। पहली चीज ये ध्यान रखना है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये ध्यान रखना है भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, लेकिन जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। ठीक है, तो ध्यान रखना है लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर तो क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाने पर साइज छोटी होती है तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, जबकि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ती है तो आपको एनर्जी कम देनी पड़ती है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है भाई। इसके आगे का लेक्चर जो है हमारा वो कल होगा, तो इसके आगे फिर मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां तक आप अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स को कंप्लीट कर लेना भाई, यहां तक आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ओके बेटा, यस सर, ओके, थैंक यू सर। सर कल भी सेम टाइम है क्या? हाँ बिल्कुल, देखेंगे, बता दूंगा मैं आपको, जैसा भी होगा सिलेबस, अगर टाइम टेबल लगे होगा तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है,